आज लगनी है मुझे मेहंदी। शादी में आने की भी शर्त है, मेहंदी लगवाएंगे? तुम्हारी शादी इनसे हो जानी, कल को बैठी रहना फिर। मैं परफेक्ट तैयार होती थीम के साथ। हाँ मैं अब प्रॉपर माइयों सही में बैठने लगी हूँ ना। मेहंदी तो सबकी बहुत प्यारी है, हाथ प्यार होने से हाथ मेरे सबसे प्यारे। एग्जैक्ट सेम शक्ल, दुल्हन की बहन और इधर मैंने लिखा है इकरा की शादी। लेट क्योंकि मैंने सारा दिन किया है रेस्ट एंड की है पिक्चर्स पोस्ट एंड व्लॉग पोस्ट। आप लोगों ने कल मायू का इवेंट देखा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया था, हमारा उपटन, हमारी हल्दी, हमारा शुगर, और अभी जो बाकी के फंक्शंस हैं, ये अगला फंक्शन है हमारा मेहंदी का। लेकिन मेरा अभी तक बारात का जोड़ा मेरे पास बन के आया नहीं है, एक एक दिन के गैप से वो चीज बन रही है। तो अभी खैर मुझे जाना है अपने बारात की ड्रेस की मेजरमेंट के लिए, और आज लगनी है मुझे मेहंदी। यहाँ पे ये लड़कियां बैठी हुई है, राबिया की ये दोस्त आ चुकी है, ये टेडी बियर आ चुका है, ये एक आदत पागल बहन। मेरी पिक्चर्स पोस्ट करके सुकून है? मैंने पोस्ट नहीं की पिक्चर। तुमने नहीं की? नहीं, तुमने कुछ भी पोस्ट नहीं किया सारे सोशल मीडिया पे, तो मुझे तुम नजर आ रही हो प्रिंसेस बनते हुए। बस लोग खुद ही ले लेते हैं। ओह माय गॉड, अभी ये लोग जो है वो यहाँ पे ना प्रॉपर, मैं जा रही हूँ अभी अपने ड्रेस की फाइनल फिटिंग्स के लिए, यानी कि चेक करने के लिए वो बन गया मेरा जोड़ा। तुम लोगों ने आने से पहले क्या करना है भला? दोनों की ड्यूटी है, हंसना मना है। देखो जरा हंसी क्यों आ रही है बहुत। शादी में आई औरत को ठंड नहीं लगती गाइस, इस बात का प्रूफ मैम। वाकई शादी में आई औरत को ठंड नहीं लगती, शादी में आई औरत को सर्दी नहीं लगती, लेकिन जो दुल्हन हो उसको भी नहीं लगती है यार, ये हकीकत है। क्योंकि आई नीड टू, मतलब मुझे जैसे, और मैं अपने कपड़ों के हवाले से आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वो पहन रही हूँ, मैं किसी को कुछ अच्छा लग रहा है मैं वो नहीं पहन रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपने इवेंट्स को, बड़ा हम लोग शुगर लगा रहे हैं, मेरी सारी बहनें बहुत लविश करके बहुत खूबसूरती से इवेंट को इंजॉय कर रही हैं, तो तुसी भी इंजॉय करो। जेडे कहंदे ने ना ए की पा लिया ते ओ की पा लिया ते इंज क्यों पाया ते इंज क्यों कीता, वो इंज इंज अपने इवेंट्स पे करना भाई। हमारे इवेंट हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और बहुत बिंदास कर रहे हैं। ये अब क्या हो गया तुम लोगों को? Oh my God, इससे पता लगता है गाइस ब्याह वाला कहाँ है। हमने माथे पे लगा लिया। किसने? मैं तुम्हें बताऊँ ना, कहाँ से लगे तो तुमने ना वॉशरूम में फेंक दी थी जमीन पे, मुझे नहीं पता तुम्हें माथे पे लगा। बस मुंह धो लो जाके, शाबाश। अगर ये वॉशरूम में गिरी हुई लैस होती तो ये उधर लेटियां मार रही थी क्या? इधर देखो, इसने पापा के साथ भरपूर शूट कराया हुआ है, वो देख रही है। yeah. वाओ, प्यारी पिक्चर्स पोस्ट करो चलो जाके। अब मैं जो हूँ मैं बस निकलने लगी हूँ, ड्राइवर अंकल बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। गुजरिया ओ गुजरिया, अभी मैं क्या करूँगी यार, इनका शोर नहीं बंद होना, मुझे निकलना है। और मैं बस अपने बैग शैग पकड़ती हूँ और मैं बस जाने लगी हूँ डिजाइनर के पास। लास्ट आप ही की शादी में मैंने पता कौन सा गाया? तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया पूतनी ने, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया पूतनी ने। तुम में से कोई चलेगा मेरे साथ मेरा ड्रेस देखने? अभी जब तुम अभी निकलने वाली होती है ना, ये गेट से फिर पूछती है। यार मुझे अभी कॉल इमरजेंसी में आया कि प्लीज आप आ जाओ, और मैंने पता है तुम्हारी लिपस्टिक से थोड़ी लग रहा है। अभी तैयार हुई हूँ और मैंने पता है अभी जो मेहंदी लगवाई है प्यारी लग रही है। जीन्स नीचे गाइस, इसके केक जूते कहाँ से लिए तुमने? ये मेरे फेवरेट है। मुझे ना मैसेज करके ना तुम्हारी पिक्चर जूम करके प्लीज बता दे आप ही ने जूते कहाँ। गाइस ये मैंने जहाँ से भी लिए ना, ये मेरा गिफ्ट था। एक मेरे भाई है वो बाहर से आए थे तो वो लेकर आए। ठीक, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मैंने जाना है अभी मेहंदी लगवाई के लिए, सब लोगों ने जो जो जोड़े पहने हैं पहन लो। तुम्हारी शादी में आने की भी शर्त है क्या? मेहंदी लगवाएंगे? हाँ, अगर तुम्हें तुम लोग जोड़े पहन लेना, यहाँ पे कुछ वो कर लेना, मेहंदी वालियाँ आ जाएंगी कोई 9-10 बजे। आज आज मेहंदी लगवाई है। यस मुझे एक दिन
पहले मेहंदी लगवानी है लाइक ईद पे, जैसे हम चांद रात पे लगवाते कल है। नहीं पॉसिबल है रा, क्योंकि उन्होंने वो इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं, लड़कियां आएंगी तो अभी कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो रेडी हो जाना, मैं अपना ड्रेस वहां से पिक कर जाऊंगी और मैं वो ड्रेस पहन के फिर मैं बैठ जाऊंगी पक्की वाली माइयों, और फिर मैंने घर से बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी। अभी हम चलते हैं, लाइटें शाइटें जल गई हैं जी, जैकेट शैकेट पहन ली है, पैक शैक हो गई हूँ, निकलते हैं। हम लोग आ गए थे डिजाइनर पे, हमने टेस्ट वेस्ट कर लिए थे अपने कपड़े, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग पे मेरे कपड़े रेडी हो गए हैं बारात पे, यार क्या कमाल की लगने वाली है, मैं खुद ही तारीफ करी जा रही हूँ, आएगा ना लड़की होता ऐसी। चलते हैं अब घर को, अब एक जगह से मुझे ड्रेस अभी के लिए पिक करना है, तो हम वहाँ जाते हैं और पिक करते हैं, लेट्स गो। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं GTCS के ऑफिस, यहाँ से हम लोगों ने पिक करना है। चले जी, मैंने अपना पार्सल पिक कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर सीधा, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर में तो शोर शोर की आवाजें आ रही है अच्छी खासी। चले जी मैं घर आई हूँ। हाँ तुम तो ऐसे, मैं तो पीला जोड़ा पी, यार तुम लोग पीले जोड़े तो पहनो। कौन सी किताब में लिखा है कि मेहंदी लगाने से पहले आपको पीला और ऑरेंज जोड़ा पहनना है? घटिया होना पड़ता है, दफा हो। देखो मेरी मम्मी को मैंने कहा मम्मी चुमके पहन के तैयार होके पीली पहन के घटिया लड्डू पीला होकर तैयार होती थीम के साथ। हाँ और ये देखो जरा ज़ैनब की फ्रेंड ने, ज़ैनब ने पीला जोड़ा पहना, वह ज़ैनब मेरी अच्छी बहन है, और साथ में ये क्या है, अनुशर है, तुम्हारी शादी इनसे हो जानी कल को, बैठी रहना। चलो तीन बीवियाँ होंगी तुम्हारी, मानो आई मपले करी पर मेहंदी वाली आ गई है, सब जाओ बारी बारी सब जाओ और लगवाओ। चलो मैं तब तक होंगी तैयार। चलें जी मैं ऊपर आई हूँ, तो चुती चुती मेहंदियाँ आ गई, टैप पड़े हुए यहाँ पे, मेहंदियाँ लग रही हैं। हेलो, ये हमारी टीम सारी इस्लामाबाद से आई है, क्या हाल है सबका, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? इन लोगों ने मेरी निकाह की मेहंदी बहुत प्यारी लगाई थी, मैंने फिर से इनको बुला लिया अपनी शादी की मेहंदी के लिए, और अब मेरी नहीं सबकी मेहंदियां लग रही हैं यहाँ पे। अब मैं पहनूंगी अपना पीला जोड़ा पहन के हम तैयार होके रेडी होके आते हैं। गुस्सा दे दो। और ये आपी आई है रेडी होके। आपी तुमने तो नहीं हमें बताया कि तुम्हारा ये प्लान है रेडी होने का? मैं अब प्रॉपर माइयों सही में बैठने लगी हूँ ना। माइयों अभी बैठा तुमने, तुम तो बैठ नहीं गई थी वहाँ पे हॉल में, अब बाहर से घूम फिर के अब आ गई हूँ, कल कहीं नहीं चुप करके घर पे बैठ। नहीं तुम्हारा ये प्लान था और ये प्लान है हमारा, तुम्हारा मेरे भी वही है। पर माइयों बैठने तो अंदर जाओ फिर। नहीं इत्तेकाफ नहीं बैठ रही माइयों। कितने दिन तक करीब भाई की नो एंट्री है? मेहंदी पे मेहंदी, चलो सही आने वाली यार, इतनी तो इतने कम दिन, लड़कियां 10 दिन माइयों बैठती बड़े चला। मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक फ्लावर ऐड करवाए, नहीं अच्छा लग रहा है, मम्मा का हाथ ही यहाँ से शुरू हो रहा है, लग प्यारा रहा है बट आई थिंक यहाँ पे एक फ्लावर ऐड हो जाएगा ना ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ लिख रहे हैं इकरा मेरी फेवरेट बेटी। गाइस मेरी ना दादो अपने घर से गाजर का मजे का देसी घी वाला हलवा बना के लाई है, यम वाला, बहुत मजे का, बहुत मजे का, और हमने हर दफा इनके हाथ का हलवा खाना है, ये अच्छा तरीका बार बार हलवा खाने का। ओह माय गॉड कितने प्यारे लग रहे हैं, इतनी मजे की मेहंदी लग रही है, दूसरी साइड से दिखाएं ध्यान से, वाह सबसे अच्छी लग रही है सच में, बहुत प्यारी लग रही है। लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं, ये यहां बैठ के क्या कर रहा है, मेहंदी लगवानी है, ये पता क्या कर रहा है, डक्की भाई का वेट, डक्की भाई आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये भी खोया मजनू, और ये दो करण अर्जुन बैठे हैं इधर। आप भी इधर एक लिखवा लो ना, एक क्रीप क्रीप की शादी लिखवा लो, यहाँ पे ना, यहाँ पे देहात को लो, सिर्फ यहाँ पे इकरीब लिखवा लो, मेहंदी मत लगवाओ, प्यारे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। यहाँ पे दुल्हन खुद मेहंदी लगाने वाली बन गई है, बच्चों को लड़कों को मेहंदी लगाने का स्टॉल, गाइस किसी ने लगवानी हो तो प्लीज रब्ता करें, तुम दुल्हन हो तुम्हारे अपने हाथों पे नहीं लगनी चाहिए वरना डिजाइन खराब हो जाएगा, शुद्ध साफ। और यहाँ पे शैली आप की मेहंदी लग रही है, दिखाएं, ओह माय गॉड कितने प्यारे, ये वो वाले फूल होते हैं ना लोटस समथिंग, अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों भी से। अच्छा अब कहाँ, पता है मुझे वाले फूल इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मैं हर ईद पे यही बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि डिजाइन क्या बनवाऊं, कहाँ पे लिखवाऊं एक क्रेप की मेहंदी, किस जगह पे लिखवाऊं समझ नहीं आ रही। हाँ। आप लिखवा लें यहाँ पे इकरीब की मेहंदी, इकरीब की मेहंदी क्यों क्या इकरीब की मेहंदी, ओए होए होए कितना प्यारा लग रहा है, इकरीब की शादी, इकरीब की शादी लिखवाना है मेहंदी नहीं, क्योंकि फिर अगर आपने इकरीब की मेहंदी लिखवा ली ना तो आपको बारात में एंटर नहीं होने देंगे, वो दिखा के आपने आना है कि इकरीब की शादी, वरना इसके बिना एंट्री नहीं, इनके बिना एंट्री नहीं है,
इकरा अरीब की शादी इकरीब की शादी वो दोनों हो जाएंगे ना फिर। हाँ मतलब सारे इवेंट्स उसमें ही कवर हो जाएंगे, आपको कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करना आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी। तुम भी अब दुल्हन साहिबा मेहंदी लगवा लो। अब मैं ना ये ब्रेसलेट और ये चीजें रिंग्स वगैरह उतार के रखने लगी और मैं इजी और कंफर्टेबल कंडीशन में बैठी हूं, फिर मेरा कैमरा संभालेगी। राइट हैंड पे नहीं लगाई वरना फिर मैं खाना। तभी तुम मोटे हो गए हो, अपनी रोटी का बहुत ख्याल रखते हो, है ना। अभी हम लोग जो है वो बैठ गए हैं मेरी सीट पे, ये मेरी कुर्सी है जिसपे मैं बैठ चुकी हूँ सुकून से। मैं हाथों पैरों दोनों पे लगाऊंगी। हीरा मेरी बात सुनो यार, हीरू कम कम ब्राइड मेड यार सुनने नहीं रहा कोई दुल्हन की। यार ये मेरी रिंग्स और ये चीजें उतार दो। तुम खुद नहीं रिंग्स उतार सकती हो, अभी तो तुम्हारे हाथ पे अभी मेहंदी नहीं लगी है यार, ताकि तुम मेरी चीजें संभाल सको तो खुद उतार के दे दो। ये क्यों कह रही हो कि उतार दो? मैं चाहती हूँ कि तुम ब्राइड मेड होने का हक अदा करो। इनकी एंगेजमेंट रिंग अब मेरे पास है, मैं इस टाइम माला माल हो चुकी हूँ, काफी वजनी है। मैं थप्पड़ मारूंगी, ये ब्रेसलेट भी निकालो। मेरी मेहंदी आधी हद तक हो चुकी है ठीक है, मोटे सभी रेडी हो रहे हैं। वो देखो यार मैं डायरेक्ट मेहंदी पे तैयार होंगी तभी मुझे रूप चढ़ेगा, डायरेक्ट तैयार होंगी अभी बस नेचुरल। और मैं वैसे भी ब्राइड मेड हूँ तो मुझे इस टाइम पे आप ही की रखवाली करनी चाहिए ना कि खुद तैयार होना चाहिए, है ना। गाइस मैं ये वाली मेहंदी लगवाने, ये वाली प्यारी लगी, बस मेरे मुंह पे कैमरा चढ़ा रहा है मेरा हमारा कैमरा में। मेरी अभी ड्रायर की बारी नहीं आई है। ओके तो मेरी मेहंदी हो चुकी है रेडी है, मेरी लुक है। मुझे लगता है कि पूरे घर ने मेरी और सिर्फ आप ही की अच्छी हुई होगी मेहंदी। यार बाकी मैंने जो अच्छी की ना, हाथ भी प्यारे होने चाहिए मेहंदी के लिए। मेहंदी तो सबकी बहुत प्यारी है, हाथ प्यारे होने चाहिए, हाथ मेरे सबसे प्यारे तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी हाँ जी इकरा एंड अरी एग्जैक्ट सेम शक्ल, ऐसे लग रहा है किसी ने पेंटिंग की भी है। ये मेरी निकाह की सबकी सबसे खूबसूरत फोटो थी। बहुत प्यारी, देखो कितना प्यारा मोर लग रहा है। जंगल में मोर नाचा चुक चुक। और हीरा की सारी मेहंदी होगी, हीरा अपनी मेहंदी दिखाओ इसको आगे। नहीं मेरी मेहंदी है गाइस, मैंने इकरा की शादी ये हुडी पे पहले लगी हुई जब लगने लगी है मेरे पाँव पे मेहंदी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पाँव पे मेहंदी नहीं लगाई। लाइफ में कभी पाँव पे नहीं लगाई, सोचा ना दुल्हन बनूंगी तब लगाऊंगी, तो अभी वो वक्त आ चुका है। ओके गाइस फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे मैंने लिखवाया है और दुल्हन की बहन, और इधर मैंने लिखा है इकरा की शादी। सो मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे नींद चाहिए। बाय गाइस, देख रही था पहले। ओके तो मेरी फाइनली मेहंदी लग चुकी है, एज़ यू गाइस कैन सी बहुत प्यारी मेरी मेहंदी लग गई है। और अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, कल मेरा पेपर है और मेरी तैयारी बिल्कुल 0% है, फेल होने वाली, लेकिन फिर भी जा रही हूँ स्कूल। जान बूझ के मेरी शादी का पेपर रखे ताकि सारा एग्जाम फेल होने का मुझ पे लगा सके। वैसे इसकी कोई तैयारी नहीं, शी इज नॉट लाइक फाइव स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। देखो यार मैंने कब कहा कि मैं बहुत लाइक फाइव स्टूडेंट हूँ, मैं एकदम पास हो जाती हूँ ठीक है। वो वैसे ही ये भी नहीं है, प्रॉपर फेल हो जाती, पास हो जाती, निकल जाती है। अब अगर ये फेल हुई तो ये पक्का बहाना है गाइस, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। आप ही की शादी की वजह पे ही ये सब कुछ हो रहा है, ऊपर से भीतर ही तबीयत भी खराब हो गई थी। तुमने लिखा है अब बहन की शादी और समथिंग लाइक दफा हो रहा था मेरी बहन। यार अभी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने ही जा रही हूँ। सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी मेहंदी अभी तक चल रही है, देखो लग रही है अभी तो थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली है, फिर कंप्लीट करके फातिमा की मेहंदी दिखाएंगे। तब तक 6 बज जाएंगे, जाने हो जाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, फिर सोएंगे। मेहंदी लगाए, मेहंदी देखना आसान है, डिजाइन पसंद करना, लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों की जान खत्म हुई होती है इस वक्त मेरे साथ हुआ। और ये मैं आपको बताऊं कि अब फोटो बन रही है मेरी 5 बहनों की, ये इनसे इतनी मुश्किल से जान छुड़वाने लगी हैं तो नाल चली आएंगे मेरे हाथ से बह के हैं, मेरी मुट्ठी में है वैसे सारी बहन, वो मेरी मुट्ठी में और अरीब मेरी गिरफ्त में। दिखाती हूँ अभी मेहंदी लगा के। तो गाइस मेरी मेहंदी फाइनली देखिए डन हो चुकी है,
अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कौन मिल आ रही है। फाइनली 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 मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए जी। टन 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 टन, अब हम कराएंगे अपना मेहंदी लगवाई वाला शूट और फिर जाएंगे हम लोग सो। मैं बाहर आई हूँ गाइस शूट कराने के लिए, और बाहर तो ओए अल्लाह, ये तो मॉडर्न साइड बनी हुई है। चलो वापस इधर को लात नहीं है शूट के लिए। चले जी गाइस, मेरा शूट हल्की आंच पे यहीं पे हो गया क्योंकि मैंने धुंध में नहीं करवाया, और अभी मैं अपना फोन यूज नहीं कर पा रही हूँ, और अभी मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, हमारी ये छोटी सी जो मेहंदी लगवाई की एक चीज थी, वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, सारी मेहंदी की तैयारियां करेंगे मिलके इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।